In an 8085 microprocessor, which one of the following instructions changes the content of the accumulator? अब ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, वैसे तो सारे इंस्ट्रक्शन आपको पता होने चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा फौरी तौर पे या सारे ना भी पता हो तो थोड़े बहुत जो है वो जो पूछे जाते हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। जिस इसमें स्पेसिफिक एक है SVIBEH। पहले आपको जानना होगा कि जो कौन कौन से, क्योंकि यहां पर एक्यूमुलेटर के कॉन्टेंट की चेंज की बात हो रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन चेंजेस द कॉन्टेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर वो है जिसके 8 बिट सबसे पहले लिए जाते हैं और उसी को लिया जाता है, सारा डेटा इसमें आएगा एक्यूमुलेटर में, इस रजिस्टर में, उसके बाद आगे काम होगा, है ना। तो होता यह है कि जो भी अर्थमेटिक या फिर लॉजिक ऑपरेशन है, ये एक्यूमुलेटर का डेटा, मतलब इसका डेटा एक्यूमुलेटर का बढ़ेगा या अपडेट होगा और इन फ्लैग रजिस्टर्स का बढ़ेगा। तो SVI और BEH है, यही एक ऐसा ऑपरेशन है जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है, है ना। ये ऑपरेशन कर क्या रहा है, ये ऑपरेशन करता क्या है कि जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा वो इस डेटा से BEH, और इसको स्टोर किसमें करेगा, इसी एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा ले जाके। तो मैंने जैसे कहा, जब भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन होगा वही एक्यूमुलेटर को अपडेट करेगा या फ्लैग रजिस्टर को करेगा, इसमें केवल यही है एक ऐसा, इसीलिए इसका उत्तर ये। द एलयू ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑफ 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेंड्स, व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑपरेशन 7AH माइनस A2H इज परफॉर्म। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो H दिख रहा है ये आपको बता रहा है कि ये हेक्साडेसिमल में, ठीक है। पहले मैं इसका उत्तर बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये आ कैसे रहा है। इसका रिजल्ट जो है वो ये है D8H और नेगेटिव फ्लैग इसमें सेट हो रहा है। अब एक एक करके समझिए कि ये नेगेटिव फ्लैग क्यों सेट हो रहा है, जिसे हम साइन फ्लैग कह रहे हैं। काम कैसे हो रहा है इसमें, देखिए मैं एक बहुत इसमें यही समझा देता हूं आपको कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, 7A माइनस A2 है, तो 7A को ये क्योंकि हेक्साडेसिमल में है बाइनरी में चेंज कर दिया। B आपका ये A2 है, A2 का हमने बाइनरी में चेंज कर दिया, H का कुछ नहीं करना है, H हेक्साडेसिमल बता रहा है। तो इसको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आता होगा ना आपको, ये बस कन्वर्ट किया है। अब यहां पर हो रहा है दोनों का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन तो होता नहीं है कुछ भी, हम a माइनस बी तो कुछ करते नहीं है, a प्लस माइनस बी करते हैं। तो ये a आपका हो गया, माइनस बी करने के लिए आप करते क्या है, इसका b का आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी कि 1 का 0 कर दीजिए, 0 का 1 कर दीजिए और फिर इसमें 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता है वंस कॉम्प्लीमेंट का 1 ऐड करके। तो फाइनली आपका जो माइनस बी है वो ये बना। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि आपका ये जो a है और ये जो आया इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो D8H आ रहा है ना। अब इसमें देखिए कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है, ये नेगेटिव है, इसीलिए ये जो साइन फ्लैग है ये आपका सेट हो जाएगा, राइट। और क्योंकि इसमें कैरी तो आया, कोई कैरी आया इसमें नहीं आया, अगर आप वाकई में इसको पेन पेंसिल से वाकई में कागज पे करेंगे तो आप देखेंगे कोई इसमें कैरी नहीं आ रहा है, तो कैरी बिट भी जो है आपका इसमें 0 होगा, इसका मतलब ओवरफ्लो भी नहीं है इसमें कोई। For the 8085 assembly language program given below, the content of the accumulator after the execution of the programs. पहले मैं इसका उत्तर बताता हूँ, फिर मैं एक एक इसमें जो instruction है वो लूंगा और आपको बताऊंगा ये कैसे हुआ है। इसका उत्तर है 67H। अगर आप इसको कर सकते हैं खुद ही तो प्लीज ट्राई कीजिए, वरना फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। पहले समझ लीजिए, एक एक करके यहां से बताता हूँ। ये जो MOV है ये क्या कर रहा है, मूव जो काम करता है वो जैसे मूव बी कॉमा ए है, तो ये जो डेटा है जो भी आप रजिस्टर आपका हो रहा है, जैसे यहां पर आपका एक रजिस्टर है या दूसरा रजिस्टर है, तो ये इंस्ट्रक्शन डेटा को ट्रांसफर करता है जो भी रजिस्टर इसमें स्पेसिफाई किया हो। मूव केवल इतना काम, MOV ये काम करता है, मतलब अगर आप इसको कहें तो ये MOV RD है, ये डेस्टिनेशन है और ये सोर्स है, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, सोर्स रजिस्टर कॉन्टेंट को ए को बी में डाल देगा। तो ये ए को बी में डालेगा, MOV समझ गए, MVI पे आ जाएंगे। MVI में क्या होता है, हमेशा MVI में यहां पर A होगा, यहां पर डेटा होगा, तो इसमें डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा को A में डाल देगा, MVI हो गया आपका, या फिर मेमोरी भी अगर दी हुई, यहां अगर मेमोरी हो तो मेमोरी में डाल देगा, ये हो गया। अब आइए आप इसमें इस वाले पे XRA, ऐसा भी हो सकता है XRA मेमोरी भी हो सकती है या यहां पर आपका रजिस्टर भी हो सकता है। तो ये क्या काम करता है, XRA का मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर का कॉन्टेंट मेमोरी से या फिर जो भी रजिस्टर आपका होगा, अगर आपको मेमोरी दी हुई है तो मेमोरी से करेंगे, या जो भी यहां पर कंटेंट दिया होगा उसके साथ एक्सॉर करना होगा, यानी कि ये XRA का मतलब ये है कि जो भी एक्यूमुलेटर में होगा उसके साथ B का एक्सॉर करना है। एक्सॉर का मतलब क्या होता है कि
जो 1 1 और 0 0 है, ठीक है, उसमें साइन चेंज होगा, अदरवाइज 1 0 0 में साइन चेंज नहीं होगा। ये एग्जाम हो गया आपका। अब आप आइए आर ए आर पे। आर ए आर में हर एक जो बाइनरी बिट है एक्यूमुलेटर का, उसको हम रोटेट करते हैं, मतलब वो शिफ्ट होते हैं कैरी फ्लैग को यूज करके। आर ए आर ये करता है। एसटीसी देख लीजिए, एसटीसी अगर अगर किसी इंस्ट्रक्शन में जैसे कैरी फ्लैग को सेट किया जाता है, इसमें हम एसटीसी का मतलब ये है द कैरी फ्लैग इज सेट विद दिस इंस्ट्रक्शन, इससे कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, इतना ही काम करता है। सीएमसी पे आ जाइए तो ये कैरी फ्लैग कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब जो भी कैरी फ्लैग होगा वो सब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब एक एक करके समझिए यहां पर क्या हो रहा है। सबसे पहले एमवीआई A45H, तो एक्यूमुलेटर ये आपका एक्यूमुलेटर है, इसके अंदर 45H आ गया, है ना। 45H को आप बाइनरी में चेंज कर सकते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब MOV BA में क्या हो, BA में क्या हुआ कि जो भी A में था वो आपका जो रजिस्टर B को A के कंटेंट से लोड कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है यानी कि जो हमारी ये निकली है वो आपके बी में चला जाएगा। अब यहां पर देखिए एसटीसी क्या कर रहा था, मैंने आपको बताया था कैरी फ्लैग को सेट करता है, तो ये सीवाई सेट कर देगा। सीएमसी क्या करेगा, सीएमसी मैंने आपको बताया था कैरी फ्लैग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो 1 का 0 कर दीजिए। अब रोटेट करेगा ये इस कैरी का यूज करके, इस कैरी का यूज करके रोटेशन होगा। आर ए आर करता है रोटेशन एक्यूमुलेटर का कॉन्टेंट जो भी होगा इस कैरी का यूज करके, तो इसकी बेसिकली आपको करनी है शिफ्टिंग, 0 का नहीं, ठीक है। तो इसकी हम एक शिफ्टिंग कर देंगे, यानी कि इसको एक एक बिट इसको दाएं कर दीजिए, बस इतना करना है। इसमें ये हो गया, ये वाला कंटेंट हो गया, बस मतलब इसको हटा दीजिए यहां पर और यहां पर 0 जोड़ दीजिए, तो ये चीज आ जाएगी, है ना। अब एक्सआर करना है, ये एक्स आ रहे हैं, जो भी कंटेंट बी में गया था आपको याद है हमने बी में डाला था इसको, इसको ये जो वैल्यू आई है इसके साथ एक्सआर कर देंगे। और जब हम एक्सआर करेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया था अगर इसका एक्सआर करते हैं तो ये 0 और 1 पे बना जाता है, 1 और 0 पे बना जाता है, लेकिन जहां एक जैसे हो, जैसे 0 और 1 पे भी बनाएगा, लेकिन जहां 0 और 0 होगा, 0 और 0 होगा या 1 और 1 होगा, ठीक है। जैसे 0 और 1 पे बनाया, लेकिन 0 0 या 1 1 पे 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से एक्सॉर हो जाएगा। एक्सॉर करेंगे तो 67, इसको अगर आप हेक्साडेसिमल में चेंज करें तो 67H आ जाएगा। ये इसका होता है। द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ एन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज 5 MHz। If the time required to execute an instruction is 1.4 microsecond, then the number of T states needed for executing the instruction is. इसका उत्तर है 7। अगर आप कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं इसमें हो क्या। पहली चीज तो यह है कि जो टाइम लगता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में वो होता है कितने नंबर ऑफ टी स्टेट्स है, और साथ में आपका जो टाइम पीरियड है क्लॉक का टाइम पीरियड। अब क्लॉक जो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई जो यहां पर ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 5 MHz, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम, तो अगर टाइम निकालना है तो 1/फ्रीक्वेंसी कर देंगे या 1/5 MHz कर देंगे, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 0.2 माइक्रो सेकेंड, और ये जो है ना टाइम ऊपर तो सेकंड, और ये मेगा का माइक्रो ऊपर बन जाएगा, तो ये आपका आ गया टाइम ऑफ क्लॉक, CLK कर दीजिए। तो टाइम ऑफ क्लॉक, अब मैंने कहा कि ये टाइम ऑफ क्लॉक है, तो इसकी जगह हम रख देंगे 0.2। ये नंबर ऑफ टी स्टेट्स हमको निकालने हैं, मतलब ये एन जो है ये हमें निकालना है, और इन्होंने बताया कि जो इंस्ट्रक्शन का टाइम है टोटल टाइम कितना आ रहा है 1.4 माइक्रो सेकेंड, ये आपका माइक्रो सेकेंड था, कितना आ गया एन हो गया 1.5 by 0.2, 1.44 by 0.2, ये होता है आपका 7, तो ये इसका 7 होता है, ऐसे हो गया।